सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, ये लॉफ्ट बनने से पहले हम लोगों को भाई एक कबूतर गिफ्ट में मिला था, ठीक है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, उसका ये रीज़न था कि भाई वो कबूतर हम लोगों को गिफ्ट में मिला उसके एक दिन बाद ही जो है हम लोग का लॉफ्ट ऑफ टूटना स्टार्ट हो गया। फिर न्यू लॉफ्ट में हम लोग लग गए और जो कबूतर है हम लोगों ने न्यू नीचे सेट कर दिया, ठीक है। और गाइस उससे भी पहले मतलब हुआ क्या था मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता देता हूँ और कबूतर भी दिखा देता हूँ। गाइस वो देखो, वो जो सामने एक कबूतर दिख रहा है ये, ठीक है, कलसरे टाइप में। गाइस ये कबूतर हम लोगों को गिफ्ट में मिला है और ये एक्चुअली कबूतर नहीं है, कबूतरी है, फीमेल है, ठीक है। और गाइस ये एक रामपुरी क्रॉस कबूतर है जो हमें गिफ्ट में मिला है। और गाइस मतलब हमारे लॉफ्ट टूटने से पहले जो है 15 दिन पहले ही हम लोगों को हमारे छत पे विपिन भाई नाम के एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो हमारे लॉफ्ट पे विज़िट करने आए, ठीक है। तो गाइस वो अपने तरफ से ये जो रामपुरी क्रॉस कबूतर है वो हम लोगों को गिफ्ट किया, ठीक है। लेकिन उस समय इसका पर बंधा नहीं था और हल्का सा मतलब कबूतरी निकली और डायरेक्ट गाइस उड़ना स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि भाई बैठ जाए लेकिन नहीं बैठी, धीमे धीमे करके वो अपने घर पर चली गई। क्योंकि गाइस ये जो पट्टी है मतलब ये जो फीमेल है ये उनके घर के बच्चा है, ठीक है, इसीलिए उनके पास जो है बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, बहुत ज़्यादा समय से उनके पास है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके घर का बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ पे चली गई तो भाई ने बोला कोई बात नहीं भाई, निकल गई तो निकल गई, अगर घर पे चली जाती है तो बाद में ले लेना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। सो गाइस वो भाई अपने घर पर गए, मेरे को इन्फॉर्म कर दिए, हाँ भाई वो कबूतर जो है छत पे आ गया है। मैं जाके देखा तो भाई वो छत पे आके बैठा हुआ था, ठीक है। और उन्होंने यह भी बोला कि भाई मैं जब भी आऊँगा या फिर तुम मेरे पास आ जाना तब ले जाना। तो गाइस मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था और टाइम मिला तब इसको लेके आया गया। वो अभी मैं नहीं गया था, किसी और को भेजा था कि भाई जा यहाँ पे उनका घर है, मैं बात कर लूँगा, जा लेके आ जा, ठीक है। तो गाइस लाया गया इस फीमेल को और भाई जैसे ही मैंने सोचा कि भाई अभी वीडियो बना के आप लोगों को शौक कराया जाएगा, उससे पहले ही हम लोग जो है अपने लॉफ्ट के काम में लग गए और उसमें देरी हो गई। तो फिर सोचा गाइस अभी जो है हम लोग आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से गाइस शौक कराया जाए, ठीक है। इसका जोड़ा उड़ा गाइस हम लोगों ने सब लगा दिया है, जब ये नीचे रूम में थी तो इसने एक भी रख दिया था, ठीक है, सब कुछ आपको अभी बताने वाला हूँ। और गाइस इसने दोबारा भी एक रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस इसको पकड़ के जो है शौक कराते हैं और थोड़ा गाइस कोशिश करेंगे कि भाई एकदम थोड़ा सा पकड़े, क्योंकि फीमेल अभी भी जो है अंडे पे है, एक अंडा इसने रख दिया है और अभी एक अंडा बाकी है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा वेट करो, पहले पकड़ के लाके फीमेल का शौक कराते हैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से देखना और कमेंट्स में बताना कैसी है फीमेल, ठीक है, रामपुरी क्रॉस में है। सो गाइस आप लोगों के लिए भाई मैंने इसको पकड़ के ला दिया है, ठीक है। और गाइस ये फीमेल जो है अभी भी अंडे पे है, आज या कल में जो है दूसरा अंडा भी ये रख देगी। और इसका गाइस सबसे पहले जो है आँखों का शौक करो, ठीक है, ये देखो गाइस बहुत ही बढ़िया कबूतर है, बहुत ही बढ़िया नस्ल में है। मैं रामपुरी क्रॉस में बोल रहा हूँ तो फिर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस साइड का गाइस थोड़ा सा मैं आराम से पकड़ रहा हूँ क्योंकि भाई फीमेल जो है मैंने आपको जैसे बताया कि भाई अंडे पे है, ठीक है। तो जो कबूतर अंडे पे होता है मैं उसको उतना पकड़ नहीं करता। इधर का भी गाइस आप आँख का शौक कर सकते हो, ये है गाइस पूरी फीमेल, पंजे भी दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस, ये भाई इसके पंजे, ठीक है, ब्लैक पूंछ, ब्लैक गर्दन। और गाइस कुंदे देखो, वैसे कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने इस बार जो है इसको एकदम अच्छे से टेप मार दिया था, ठीक है। तो गाइस अभी जो है इसको छोड़ते हैं, वो देखो भाई वो रही गाइस फीमेल, ठीक है। तो गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि कैसी लगी आपको ये फीमेल, बहुत ही प्यारी है भाई, बहुत ही मस्त है। और इसने अपना जलवा तो मेरे को पहले ही दिखा दिया था, ठीक है, हल्का सा भाई हम लोगों से चूक हुई थी, हाथ से निकल गई थी, क्योंकि गाइस उन्होंने लाया था तो उस समय पर नहीं बंधा हुआ था, पर खुला था, हल्का सा कबूतरी जोर लगा रही थी, हम लोग सोचे कि अब टेप ओप मार देते हैं और हल्का सा चूक हुआ और कबूतरी जो है उड़ना स्टार्ट कर दी और ऊपर ऊपर जो है अपने घर पर निकल गई, ठीक है। तो गाइस इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई जो कबूतर है वो काफ़ी बढ़िया ब्लड लाइन में है, ठीक है, क्योंकि भाई जिस भाई का ये कबूतर है उनका घर ना ही कुछ ज़्यादा दूर है और ना ही कुछ ज़्यादा पास है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक पे है, यहाँ से दिखेगा नहीं, मतलब दूर तो है भाई लेकिन उतना भी दूर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो। तो गाइस उतना दूर जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है।
उनका घर जो है यहाँ से दिखता उखता है नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है हम लोगों को जाने में, तो काफ़ी अच्छा बात है भाई, ठीक है। और गाइस वो देख सकते हो मैंने उसी मेल के साथ जो है इसका पेयर लगा दिया है, वो जो है वहाँ पे, ये देखो गाइस, गाइस ये दोनों का जो है आपस में मैंने पेयर लगा दिया है और इन लोगों ने गाइस अंडे भी रख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट्स करके बताना कि इनका जो ये पेयर है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। मेरे को तो गाइस काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं दोनों ही कबूतर। कलसरे कबूतर को आप लोग पहचानते ही हो, ठीक है। और ये गाइस रामपुरी कलसरे में फ़ीमेल है, तो मैंने सोचा भाई इसके लिए मेल इतना बढ़िया अपने पास पड़ा हुआ है, वो भी खुले में है, तो इसी के साथ में पेयर लगा देते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा, पेयर भी काफ़ी अच्छी लगेगी और बच्चे भी काफ़ी बढ़िया निकलेंगे। वैसे फ़ीमेल ने अंडे तो रख ही दिया है, अब कैसे बच्चे निकलते हैं वो सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी तक तो जो है मैं कबूतरों का पर खोल देता हूँ, और आप लोगों को पता भी है मेरे पास जो न्यू कबूतर हैं उन लोगों का भी मैंने पर नहीं बांधा था, ऊपर सेट कर रहा हूँ उसके बाद भी, और मेरे कबूतर एकदम ईजिली जो है सेट भी हो चुके हैं, मेरे को कोई भी किसी टाइप का दिक्कत भी नहीं है। तो इसका पर गाइस ना खोलने का रीज़न ये है कि एक तो फ़ीमेल ने अंडे रख दिया है, ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि गाइस ये फ़ीमेल जो है किसी के घर की पट्टी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है, अपना घर भी बहुत अच्छे से पहचानती है। और सबसे जो गाइस एक बड़ा दिक्कत है कि इसको पता है कि भाई यहाँ से उड़ के कैसे जाना है अपने घर पे, क्योंकि जब कबूतर एक बार अपना घर पे चला जाता है ना रिटर्न, तो उसको गाइस क्लियर आइडिया हो जाता है कि भाई मेरे को ऐसे उड़ना है और ऐसे जाना है। तो इसको पूरा क्लियर आइडिया है कि भाई मेरे को कैसे जाना है घर पर, इसीलिए गाइस इसको अभी तक जो है पर बांध के रखा हुआ है, ठीक है। और जल्द ही इसका पर खोला जाएगा, आप लोग को दिखाया भी जाएगा। आप लोग का भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स होता है कि भाई किसी के घर के पक्का कबूतर हम लोग लाएँ तो उसे कैसे टिकाएँ, या फिर थोड़े से पास से हम लोगों ने कबूतर ख़रीद के लाया है लेकिन उसका पक्का है उसको कैसे टिकाएँ, या फिर गाइस ऐसा भी कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि भाई हम लोगों ने कबूतर ख़रीद के लाया, वो कबूतर दोबारा भाग के अपने घर पर चला गया, उसको पता है कि किस साइड हम लोग का घर है तो उसको किस टाइप से टिकाया जाए। ये सब कुछ गाइस आप लोगों को पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो कब चाहिए, उस अनुसार से भाई वीडियो बना दिया जाएगा, इसका पर खोला जाएगा, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों के सामने ही किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो, चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप हमारी हर वीडियो को देख सको, ठीक है। तो गाइस सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई, बिल्कुल फ्री होता है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये फीमेल कैसी लगी, मेरे को तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा। और सो गाइस ये देख सकते हो भाई हम लोग जो है आ चुके हैं लॉफ्ट के अंदर, और यहाँ पे गाइस सामने आप देखो ये है भाई पूरी जोड़ी, ठीक है। फीमेल जो है अंडे पे बैठी हुई है, अभी इसने एक अंडा दिया है, अभी दूसरा अंडा मेरे हिसाब से कल या परसों में दे देगी, ठीक है। गाइस सामने जो है ये कलसरा मेल है और पीछे जो है फीमेल है, ठीक है। और गाइस अभी जो है सभी कबूतर ढंग से पेटी में सेट भी नहीं हुए, कोई किसी के भी पेटी में चला जाता है, और ये देख सकते हो फीमेल, मेरे को अंडा नहीं दिख रहा है इधर ही कहीं, हाँ ये रहा भाई, रुको गाइस ये देखो गाइस साइड में अंडा है, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिख गया होगा, ठीक है। तो मैं गाइस आपको ये बोल रहा था कि भाई अभी जो कबूतर हैं वो अच्छे से पेटी में सेट भी नहीं हुए हैं, उन लोगों को क्लियर आइडिया भी नहीं है कि भाई हमारा पेटी कौन सा है, और कबूतरों ने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया है, और एक कबूतर जो है भाई बाहर ही किसी ने अंडा दे दिया, ठीक है, किसी फीमेल ने। यहाँ पर देखो अंडे दे रखे हैं, मैं जब शाम को कबूतर खोले तो देखा भाई एक ने अंडा दे दिया था, तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसने अंडा दिया है, कौन से कबूतर ने। तो गाइस अभी ये अंडे को हटा दिया जाएगा क्योंकि किसी और के पेटी में रख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कबूतर जो है मतलब जो फीमेल्स हैं वो अंडे के ऊपर हैं, तो किसी भी पेटी में डाल देंगे तो भाई वो लोग अंडा उंडा तोड़ देंगे, फिर और ज़्यादा गंदा हो जाएंगे, ठीक है, उससे अच्छा भाई अंडे को फेंक देंगे, ठीक है। और ये देख सकते हो गाइस एक ये पेयर जो है जो मेरा जीरा कबूतर है, इसके साथ मैंने ये फीमेल लगा दिया था, इसके लिए कोई फीमेल मिल नहीं रही थी, तो और इसने भी अंडा रख दिया है, ठीक है। सो गाइस यही है पूरी जोड़ी, और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मेन बात विपिन भाई आपको भाई दिल से बहुत बहुत थैंक्स कि आपने भाई इतना अच्छा कबूतर जो है हम लोगों को गिफ्ट किया, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक्स टू यू विपिन भाई, ठीक है, ये कबूतर गिफ्ट करने के लिए। और आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा कबूतर। सो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।